मुलायम सिंह यादव सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव बने। खबर कानपुर देहात से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर यादव द्वारा जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता मुलायम सिंह यादव को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव बनाए जाने से जनपद के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसर में फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। समाजवादी अधिवक्ता सभा उत्तर प्रदेश के नव मनोनीत प्रदेश सचिव व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सपा की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिवक्ताओं से जुट जाने का आह्वान करते हुए कि अधिवक्ता समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी बातों का समाज में काफ़ी असर होता है और वह सपा की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव ने ही न्यायालयों में अधिवक्ताओं के लिए पक्की इमारतों का निर्माण कराकर उन्हें सम्मानपूर्वक बैठने का स्थान मुहैया कराया था, जिसे अधिवक्ता समाज कभी नहीं भूल सकता। उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह यादव जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के साथ साथ अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिसके कारण निश्चित ही समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। स्वागत दौरान अधिवक्ताओं में विश्वनाथ कटियार, कल्याण सिंह यादव, राम सनेही कुशवाहा, रमेश चंद्र सिंह गौर, फूल प्रकाश शर्मा, अब्दुल सलाम, रघुनंदन सिंह निषाद, राहुल यादव, जितेंद्र निषाद, सर्वेंद्र यादव, जितेंद्र बाबू, विश्वनाथ यादव, सुभाष यादव, महेंद्र सिंह, बलराम सिंह, सुधीर कुमार, श्रीमती सुलेखा यादव, चंद्रलता शर्ला अग्रवाल, गीता, विजयलक्ष्मी सैनी, कीर्ति कुशवाहा, चांदनी रिजवी, अनु सिंह, दीपक यादव, राहुल यादव, धर्मेंद्र यादव, अनूप यादव, सुशील कुमार कटियार, श्री प्रकाश पाल, अनुराग यादव, मानवेंद्र सिंह आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर कौशल की रिपोर्ट।